देखो मेरा जय श्री कृष्ण। आज हम ब्लू कलर का बहुत ही सुंदर पोस्टर बनाएंगे। नवरात्रि का पांचवा दिन है, तो देखिए सबसे पहले सिंपली व्हाइट कलर लिया है, छलनी से छान लिया है उसको। उसके बाद में व्हाइट में हल्का हल्का स्काई ब्लू कलर मिलाते जाएंगे तो दूसरा कलर शेड बनेगा और उसको हम भरेंगे। अभी देखो मैंने व्हाइट में थोड़ा सा स्काई ब्लू मिलाया और उसको हम कलर करेंगे। जब भी शेड बनाओ तो अच्छे से शेड बनाइए, थोड़े थोड़ा जैसा बोल रही हूँ वैसे शेड बनाइए। अब मैंने थोड़ा और ब्लू बढ़ाते जा रही हूँ उसके अंदर स्काई ब्लू। अब थोड़ा मैंने डार्क ब्लू भी इस्तेमाल किया है उसी में, यानी व्हाइट स्काई ब्लू और डार्क ब्लू। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा हम ऐसे ही डार्क शेड्स बढ़ाते जाएंगे और सर्कल में कलर भर रहे हैं आज। ये देखिए अभी तक के ऐसा कलर नहीं बताया था, सर्कल में कलर भर रही है, यानी बीच में ऐसा गोल दिख रहा है और फिर शेड। बस पट्टे अलग अलग मत दिखने दीजिए, ऐसे मिक्स होने दीजिए एक मेक में। तो डार्क शेड्स बढ़ता जा रहा है ब्लू में और ऐसे भरते जा रहे हैं। उसके बाद में आखिरी में एकदम डार्क ब्लू का इस्तेमाल किया है, डायरेक्ट नहीं है, लाइट ब्लू डार्क ब्लू, उसमें डार्क ब्लू की मात्रा ज़्यादा। और एकदम ऊपर में आप हल्का पर्पल भी इस्तेमाल कर सकते एकदम आखिरी में, ठीक है। उसके बाद में व्हाइट में को थोड़ा से ऊपर गीरा दिख रहा था उसके ऊपर नीला कलर, तो मैंने उसके ऊपर व्हाइट से किया। ऊपर की डंडी को नीचे रखेंगे और फिर बॉर्डर को पूरे बराबर बॉक्स को कंप्लीट करेंगे और डार्क ब्लू भरेंगे इस साइड में, थोड़ा सा उसमें पर्पल मिक्स है। इस तरीके से हमारा शेड ख़त्म हुआ, ठीक है। अब जो काम है आजू बाजू की रंगोली को साफ करना और फिर ब्लू, लाइट ब्लू डार्क ब्लू और ब्लैक कलर मिक्स करके ये शेड बनाया है। थोड़ा डार्क कलर का शेड है जिसके अंदर ब्लैक भी है, ठीक है। इससे हम ऐसी हल्की हल्की जैसे पेड़ को बनाते हैं वैसी डंडी दे रहे हैं, ऐसी डंडियाँ आपको पूरी तरफ देनी है, बारीक बारीक डंडियाँ देनी है अभी, ऐसी जैसे आपको दिख रही है वैसे ही देनी है। उसके बाद में लाइट शेड किया उसको ही, उसमें ही थोड़ा सा स्काई ब्लू मिलाया, जो कलर पहले था उसी में स्काई ब्लू मिला के थोड़ी डंडियाँ दी, यानी दोनों डंडियाँ दी, ठीक है। आप डायरेक्ट स्काई ब्लू की डंडी भी दे सकते हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो डार्क कलर का शेड था ब्लैक एंड ब्लू मिक्स ऐसा वाला शेड जो था, उससे हम ऐसे पेड़ बता रहे हैं, टहनियाँ बता रहे हैं, ऐसी गिरी हुई छोटी छोटी घास जो होती है वो, और उसमें बनाएंगे हम कुछ फ्लावर्स टाइप। देखिए एक लाइन बनानी है और लाइन के ऊपर आसपास में छोटे 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 डॉट्स देने हैं, ऐसे तुरे रहते हैं ना फ्लावर्स के, वो बनाने हैं। और दूसरा एक है, एक फ्लावर बताऊंगी, जैसे ऐसे ही डंडियां बनानी है आपको, मुड़ी हुई ऐसी घास रहती है ऐसी। उसके बाद में देखिए एक ऐसा पूरा गोल भर देना है, एक छोटा सा गोल डॉट डॉट से ही, और उसके ऊपर लाइन्स बनानी है बारीक 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 बारीक, ऐसे बोंडे टाइप का बोलते हैं ना गोल फ्लावर्स रहते हैं, तो वो बनाना है। और उसके ऊपर फिर लाइट कलर जो थर्ड या सेकंड नंबर का जो कलर था जिसके अंदर ब्लू और व्हाइट मिक्स था, उसका यूज़ करके उसके अंदर डॉट्स देने हैं, यानी लाइट शेड से, यानी आपका जो कलर है अभी डार्क वाला उसमें भी व्हाइट मिला के आप उसमें डॉट्स दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम काफ़ी फूल्स पत्ते बनाएंगे सब साइड में। देखिए कहाँ बनाना है कैसे बनाना है वो ऑब्जर्व करके भी बना सकते हो, या अपने मर्जी से कहीं गोल फूल बनाना है, कहीं तुर्रा बनाना है, यानी तुर्रा इन द सेंस वो डॉट डॉट वाला फ्लावर्स बनाना है या गोल वाला फ्लावर्स बनाना है, तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो सब में अलग अलग हो सकता है। तो आपको देख कर बनाना है वैसे बनाइए, बट एकदम आराम से बनाइए। उसके अंदर जैसे बता रही हूँ मैं, लाइट शेड की डॉट डॉट दिए है तुर्रे में भी और गोल वाला जो बोंडा बनाया उसमें गोल है और आजू बाजू में बारीक लाइंस। अब कुछ व्हाइट डॉट्स मैं पूरे पोस्टर्स में ऊपर साइड में दूंगी, जिससे ऐसे लगेगा कि थोड़ा सा चमक आएगी पोस्टर में। ये देखिए अब ऊपर भी हम वैसे ही बना रहे हैं। बहुत आसानी से आप अच्छे से अच्छा पोस्टर बना सकते हो, बस सारी चीजें अच्छे से फॉलो करो तो, ठीक है। आज पांचवा दिन है नवरात्रि का, ब्लू कलर का ब्लू डे है, तो ब्लू डे के लिए मैंने ये वाली पेंटिंग जैसी पोस्टर आपको बता रही हूँ। आसानी से धीरे धीरे पूरी चीज़ों को फॉलो करके ही पोस्टर बनाना है। बड़े छोटे व्हाइट डॉट सब तरफ फिट देंगे और ये सारी हिस्सा में सेम इस साइड में भी बनाऊंगी, तो उसको टाइम लगेगा बोल के मैंने ये फॉरवर्ड किया, सेम टू सेम बनाए हैं। अब स्काई ब्लू कलर से कुछ लाइन्स बना दी। अब हम बनाएंगे तीन वो हेलीकॉप्टर टाइप या बटरफ्लाई रहते हैं ना, वो बनाएंगे। तो
तो उसके लिए देखो डार्क शेड्स इस्तेमाल किया, ऐसे तीन डंडियां बनाएंगे, तीन बटरफ्लाई बनाएंगे, इसलिए उसके ऊपर तीन पतली पतली डंडियां है, उसके ऊपर छोटे छोटे गोल दिए हैं। और अब बटरफ्लाई का शेप जो होता है सिंपल लीफ टाइप का, वो बनाएंगे। ये देखिए हल्का बारीक बनाना है, ठीक है ना, एकदम पतली पतली लाइंस, चार बनाएंगे इससे, ये चौथी, ऐसे ही आप बाकी भी बना लेंगे। और फिर स्काई ब्लू और वाइट कलर लिया, उनको मिक्स किया, ठीक है, और ये इसके अंदर फिल करेंगे, जो यानी ये बटरफ्लाई भी हम ब्लू कलर की बता रहे हैं, जो कि वो उठावदार दिखे, 3D इफेक्ट आएगा बढ़िया सा। देखिए ये हो गई, अब हम क्या करेंगे, जो डार्क शेड्स हमने यूज किया था उसमें थोड़ा सा, जो डार्क शेड है ये, इसकी मैं थोड़ा सा ब्लू मिक्स किया, यानी शेड क्या हो गया, लाइट हो गया, और उससे हम जो हमारे बटरफ्लाई या फिर हेलीकॉप्टर्स बनाए थे उसके पत्ते बनाएंगे, उसमें वो धारी होती ना वो देंगे, एकदम बारीक 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 काम, एकदम हल्का हल्का बारीक बारीक है, टाइम लगता, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया अभी आपको। देखिए ये हमारा बढ़िया से पोस्टर रेडी हो गया। अब मैंने वही स्काई ब्लू कलर लिया है हल्का, और उसके गोल बना रहे हैं हम, और वो स्काई ब्लू कलर में ही आपको एक छोटा सा व्हाइट डॉट देना है, तो ये ऐसे थोड़े से दो तीन जगह और बनाएंगे, तो बढ़िया से सुंदर से पोस्टर अच्छा लग रहा है। अच्छा पोस्टर लगा है तो एक लाइक बनता है, और अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बढ़िया से बनाइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बहुत सुंदर सुंदर वीडियो देखने को मिलेंगी, रोज एक अपडेट आएगी, घंटी बजा के रखो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो आ गया है। तो सुंदर सा पोस्टर सारी डिटेल्स के साथ मैंने आपको बताया, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो कल नेक्स्ट डे का नेक्स्ट वीडियो बहुत सुंदर रहेगा, तो वो भी ज़रूर देखना। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो सबको मेरा जय श्री कृष्ण, और बहुत सुंदर सुंदर वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। चलो थैंक यू, बाय, जय श्री कृष्ण।